इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पाकिस्तान और भारत के माबैन डायलॉग की, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं मुस्तकबिल में तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है या हालात ऐसे ही कशीदा रहेंगे, इस पर बात करेंगे अपनी शॉर्ट ब्रेक। पुराम एक बार फिर खुश आमदेद। शायद लतीफ साहब, ये बताइएगा कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो दबाव है तमाम उन ममालिक पे जहां जंगी कैफियत मौजूद है, क्या भारत भी ऐसा दबाव कबूल कर सकता है, क्योंकि अमन की बात तो हर तरफ की जा रही है। भारत ये जंगी जुनून कब तक ये राग रापता रहेगा? देखिए, ये जो आपने बात की इसमें वजन है। अगर भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस नीयत से आता है कि अब वाकई हमें पाकिस्तान के साथ अमन करना है, तो फिर तो ये बर्फ पिघल सकती है। ठीक। मगर अगर वो इस नीयत से आए कि दुनिया को दिखाना है सिर्फ कि जी हम बड़े कदम ले रहे हैं, तो फिर अगर नीयत खराब है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते। और आज तक उसने जितने काम किए हैं वो नीयत के बुराई के किए हैं। यानी दुनिया को ये कहता रहा कि जी हमारा बायलैटरल मामला है कश्मीर का, हम आपस में डिस्कशन से हल कर लेंगे, तो वो तो आज तक हल नहीं हुआ। 70 साल से ज्यादा हो गए जो कश्मीर के अंदर, कश्मीर की के बारे में अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक फैसला नहीं हुआ। ये भारत की बदनीयत ही है ना, तो उसके आने से असल मामला नीयत पे डिपेंड करेगा। अगर वहाँ ये सोच आती है और लीडरशिप ये समझती है कि उनके और हमारे मुल्क में गुरबत और जो दूसरे मसाइल हैं उनको ख़त्म करना है, तो पाकिस्तान के साथ अमन की बात करो, मगर उसके लिए जो एक प्री कंडीशन है वो फिर कश्मीर है। आपको कश्मीर के बारे में और कश्मीर की जो सिचुएशन है उसमें आपको जो दुरुस्तगी है वो लानी पड़ेगी। शाह लतीफ साहब, जो 27 फरवरी 2019 को जो हालात पैदा हुए थे जिसके बाद पूरी आलमी तवज्जो हुई इस खित्ते की तरफ, उसके बाद से इस बात का इम्कान है कि अब डायलॉग प्रोसेस में कहीं से कुछ दबाव आ सकता है, कुछ सालसी का किरदार अदा किया जा सकता है, अमेरिका में एक नई इंतजामिया आ चुकी है, क्या ये तो की जा सकती है कि इन 2 सालों में जो कुछ दुनिया ने देखा है दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती कशीदगी, इससे कोई सबक सीखा है दुनिया ने और कोई ऐसी सालसी का किरदार अदा करने कोई आ सकता है? देखें, ये बात जो है ये सच है कि दुनिया ने इस चीज से बहुत से नतज अखज किए हैं, और फिर ये दोनों मुल्क जौहरी ताकत रखते हैं, और अगर कोई जौहरी जंग वाला मसला होता है तो उसका नुकसान सिर्फ इस खित्ते को नहीं होगा। ये जो रेडिएशन है ये तो फैलेंगी, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी जद में आएगा। तो दुनिया को अगर अपनी सलामती जो है वो सामने रखनी है तो उन्हें हर सूरत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अमन की सूरत हाल और एक डायलॉग की सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। और ख़ासकर ये जो अमरीका में चेंज हुई है, देखने में लगता है कि ये जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो इसमें एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। जनाब जो शेख साहब, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अगर आते हैं पाकिस्तान तो क्या हम माजी की तरह ऐसे एक दौरा समझेंगे, जैसे कि शायद लतीफ साहब बात करें कि हमेशा दौरे तो होते रहे लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन सोच वही कार फरमा रही हिंदुस्तानी लीडरशिप की, इसलिए मसाइल हल नहीं हो सके? देखिए, जो तारीख बताती है वो तो यही है कि हिंदुस्तान वक्त गुजारता रहा है और मसले को हल करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। आप इसको यूं देख लें कि ये कश्मीर का तो बहुत बड़ा मसला है, पुराना मसला है और यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं, लेकिन सियाचिन का मसला ले लें, सर क्रीक ले लें, वो उससे कहीं छोटे मसले हैं, लेकिन भारत ने उनको भी हल करने की कोशिश नहीं की। दूसरा जो इशू है वो ये है कि कश्मीर का मसला हल होने से पहले इसको मजीद बिगाड़ दिया गया, हल्का सोचने से पहले। अगर भारत की नीयत साफ है और वाकई उसका दौरा मसले को हल करने के लिए है, तो सबसे पहले तो उसको वो अपनी पोजीशन जो है उसको पीछे लेके जाना होगा 5 अगस्त वाली पोजीशन पे, यानी जहां आपने आर्टिकल 370 किया, जब आप एक अपनी
डिस्प्यूटेड टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना के तो फिर पाकिस्तान में दौरा करने आएंगे तो क्या मकसद है, उसका मतलब क्या है? आप अपनी अपना हल किया हुआ जो आपने सोचा था वो अपना हल करके कश्मीर को और वो मुसलत करने के लिए आ रहे हैं? आप पहले उन हालात को वापस लेके आए जिन हालात पे बातचीत का सिलसिला होना था। तो आज अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं लेकिन आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड है, 35 एब्रोगेटेड है और वहां पे लाखों लोगों को कश्मीरियत दे दी गई, कश्मीर की सिटीजनशिप दे दी गई, वहां पे आबादी का तनासब बदलने का प्रोसेस बड़ा आगे जा चुका है, उसको आप वापस ना लाएं और बातचीत किस चीज पे भी करने के लिए आएंगे आप? तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जरूरत यह है कि आप 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस जाएं, फिर आगे अगर दौरा किया जाता है कुछ तो उसमें खलूस नीयत नजर आएगी, उसके बाद आप कह सकते हैं, वरना तो उससे पहले मैं समझता हूं कि एक धोखा होगा, एक शराब होगा जिसके पीछे हमें जाना मुनासिब नहीं। जनरल साहब, अगर 27 फरवरी 2019 की बात की जाए उसके बाद जिस किस्म के जारहाना अजायम, तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जाइए। अब करते हैं इस वीडियो के बारे में बात, जो है मेरा रिएक्शन। आपको बता दें पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही थी सार्क सम्मेलन के बारे में जो कि इस साल होना है पाकिस्तान में। आपको पता होगा लास्ट टाइम पाकिस्तान में जब हुआ था तो भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने रिप्रेजेंट किया था भारत को और वहाँ पर गए थे और हेलीकॉप्टर से केवल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी, गए और आ गए थे। और उसके बाद वहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया ने ये बाबेला खड़ा किया था कि राजनाथ सिंह को हमने धुतकार के भगा दिया, राजनाथ सिंह को हमने उन्हीं की भाषा में दिया जवाब। इस तरीके की कुछ बातें की गई थी, आप समझ सकते हो पाकिस्तानी क्या सोच सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान अब इस बार सोच रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सार्क समिट में जो पाकिस्तान में होना है उसमें शायद विजिट पर जाएँ। तो अब इसका फैसला तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही करना है कि भारत जाएंगे, मतलब वो पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, या फिर लास्ट टाइम की तरह वो, मतलब आप समझ सकते हो, राजनाथ सिंह या किसी भारत के किसी को भी भेज सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान यही उम्मीद लगा है। आपको पता होगा दोस्तों भारत में जो DGMO लेवल पर बातचीत हुई है पाकिस्तानी बॉर्डर पर, जिसके बाद से पाकिस्तान ये कयास लगा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर की रट लगाए और भारत ने भी बोल दिया है कश्मीर करोगे तो कश्मीर ही करते रहो, मैं बात ही नहीं करनी तुमसे बात करके मिलना क्या है, कुछ मिलना नहीं। अभी एक देश को और भीख में वैक्सीन देनी पड़ जाए और मदद देनी पड़ जाए तो आप समझ सकते हो दोस्तों एक बोझ ही है। और पाकिस्तान मतलब यहाँ पर आपने इन दोनों जो फौज के जो लोग बैठे थे इनका एटीट्यूड भी आपने देखा, ये वही फालतू की बात करेंगे, RSS ये वो, मतलब कोई भी इनके पास लॉजिक नहीं है, फालतू की बात करने में इनके पास महारत हासिल है तो उसी तरीके की बात यहाँ पर भी ये कर रहे हैं। तो अब इनकी बातें करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हालाँकि मोदी जी को भी आप समझ सकते हो अनप्रडिक्टेबल है काफ़ी, शायद ये विज़िट कर जाए पाकिस्तान, शायद वहीं पंजाब के रास्ते से कर जाएं, कतारपुर होते हुए कर जाएं, कोई भरोसा नहीं है दोस्तों मोदी जी का भी। शायद इनको लगे कि अब शायद पाकिस्तान को कुछ अगर, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान का बहुत एटीट्यूड है, वो भी पूरा आर्मी का पोपट है, विज़िट करने से भी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्या मोदी जी को पाकिस्तान की विज़िट करनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।